Shakalaka boom boom, shakalaka boom 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 boom. Kitty 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 shakalaka boom boom, shakalaka boom boom, kitty 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 kitty. Good morning, Shanu. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सर्दी के लिए अप्रोप्रिएट बहुत ही टेस्टी गोभी पराठा की रेसिपीज़, त्रियान की कुछ मस्तियाँ, साथ में इवनिंग स्नैक्स जो काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही हेल्दी वे में मैंने पकाया है, जो अनहेल्दी चीज़ ही है लेकिन उसे मैंने हेल्दी वे में पकाया है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सुबह उठते ही ना बहुत मन कर रहा था गोभी पराठा खाने का ब्रेकफास्ट में, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी जाकर, हमारे पास ही एक मार्ट है मेरे घर के एकदम ही पास, वहीं से जाके धनिया पत्ता लेके आई हूँ। देखिए वहाँ पर मैंने सजा के रखा है। और फिर मैंने क्या किया ना, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल 2 चम्मच जैसा डाला है और उसमें बारीक कटे हुए ग्रीन चिलीज़ और लहसुन को मैंने थोड़ा सा जस्ट फ्राई कर लिया है और उसमें फिर जीरा डाल दिया है और फिर गोभी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और गोभी को ऐड कर दिया है। और गोभी को ऐड करने के बाद उसमें कुछ बेसिक मसाले मैंने डाले हैं, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लास्ट में ज़रा सा विनेगर। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, इससे ना बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और फाइनली मैंने ना इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, तो थोड़ा सा मिठास भी आता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसका की इन्ग्रीडियंट है बहुत सारा धनिया पत्ता। आप जितना ना ये धनिया पत्ता डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और फिर हमें ना धनिया पत्ते को लास्ट में डाल के जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर देना है, इसको धनिया पत्ते का अरोमा इसमें बने रहे इसीलिए हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। ये गोभी की स्टफिंग हो गई है रेडी और आटे का डोना पहले से ही बना हुआ था, तो मैंने वो हमारी जो घर में दीदी है ना पारुल दी, उनको बोला था इनको बॉल्स में कर देने के लिए, लेकिन उन्होंने ना थोड़ा सा छोटा बॉल बनाया है, उन्हें पता नहीं था कि मैं इसमें स्टफिंग डालने वाली हूँ। तो आप जब भी कोई स्टफिंग वाले पराठे बनाएंगे ना, तो थोड़े से अगर मोटे मोटे होंगे ना इसके डोज तो बहुत ही अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। पर खैर इसमें भी उतना फटा नहीं था। तो देखिए मैंने ना सीक्रेट यूज़ किया है आपको बताती हूँ, ये अगर आप यूज़ करेंगे ना आपके भी पराठे फटेंगे नहीं। आपको ये बॉल्स को ना कटोरी के जैसे बनाने हैं और कटोरी का जो बीच का पोर्शन है उसको थिक रखना है और साइड्स को ऐसे थिन आपको बनाने हैं जैसे मैंने बनाया है। इससे आपके पराठे ना कभी भी नहीं फटेंगे और कभी फटते भी है ना तो इसके अंदर से वो बटर का टेस्ट जब अंदर जाएगा ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, तो उसको लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। और 2 स्पून करके मैंने इसमें स्टफिंग डाले हैं और फिर साइड को ऐसे ऐसे मोड़ते हुए मैं करूँगी। तो ये ना आप जब अगर प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार ही में हो जाएगा, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। मुझे भी पहली बार में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत बार ये गोभी का पराठा बनाया हुआ है तो वैसे करते करते मुझे आ गया है। और एक चीज़ है, स्टफिंग डालने के बाद ना इस बॉल को आप थोड़ा सा हाथों से अगर फैला लेंगे और उसके बाद इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे तब ना आपके पराठे भी यूनिफॉर्म बनेंगे। ये वाली ट्रिक भी अगर आप आजमाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके पराठे यूनिफॉर्म बनेंगे। वैसे मैं ना कभी रोटी बनाती हूँ तो कभी गोल नहीं बनते हैं, लेकिन स्टफिंग वाले पराठे बहुत ही ईजिली गोल बन जाते हैं क्योंकि यही वाली टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ। और जब रोटी बनाती हूँ ना तो वो बहुत पतले होते हैं ना, तो ये टेक्निक मैं यूज़ कर नहीं पाती हूँ। अगर आप भी ये टेक्निक यूज़ करेंगे ना, पराठे आपके भी एकदम शानदार गोल बनेंगे। और जब भी ना पराठे आपको सर्व होते हैं और वो एकदम गोल गोल शेप में आते हैं तो देख के मन करता है टूट पड़े और भूख और भी बढ़ जाती है कि नहीं, आप भी मुझे ये कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ ना, मैं डायरेक्ट पराठे को कभी ऑयल या फिर घी में सेकती नहीं हूँ। पहले को तवे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, अगर तवा हॉट रहता है ना तो बहुत इजीली ये आपकी मतलब पराठे बन जाते हैं। और ये कास्ट आयरन का तवा है और इसमें लगता भी नहीं है,
तो मैं पहले ना ऐसे तवे में पराठे को डाल देती हूँ और ऊपर से मैं ना घी या फिर तेल, आपको जो भी पसंद है आप लगा लीजिए, और जब एक साइड अच्छे से पक जाए ना तब आप उसको पलट दीजिएगा और देखिएगा इससे आपके घी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन जब आप खाएंगे ना पूरा एकदम घी का टेस्ट आपके मुँह में एकदम आएगा, और अगर आप ना इसमें थोड़ा सा बटर भी देते हैं तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब घी में इसे बनाने के बाद जस्ट थोड़ा सा ऊपर से आप बटर दे सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दी वर्शन भी होगा। और अगर आपके यहाँ पे कहीं से क्रैक है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मेरा थोड़ा सा क्रैक आ गया था, मैंने वहीं पर बटर को डाल दिया था, लेकिन बटर में पराठे को सेका नहीं था, बस बटर मेल्ट हो जाएगा और अंदर क्रैक से घुस जाएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है पराठा। आप इसे इस ट्रिक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ब्रेकफास्ट होने के बाद ही ना मैं त्रियान को रोज़ सुबह छत पर लेके जाती हूँ, वहाँ पर उसके कज़न भैया के साथ वो बहुत ही मज़े से खेलता है। उसका भैया उससे बहुत ही कम बड़ा है, 2.25 साल का बड़ा है, और ये दोनों ना एक दूसरे की कंपनी को इतना पसंद करते हैं और दोनों इतना अच्छे से खेलते हैं। और बच्चे जब अपने बच्चों के साथ होते हैं तो देखिएगा वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ये दोनों रोज़ एक साथ खेलते रहते हैं, देखिए ब्रदर्स बॉन्ड। और फिर उसका भाई उसे फिर लेके जाता है अपने घर और फिर अपने खिलौनों को देता है, और जब तक ना त्रियान आता नहीं है तो औरनू ना हमेशा बुलाते रहता है, फ़ोन करके बुलाता है कि भाई को जल्दी लेके आइए, भाई को जल्दी लेके आइए। और वो दोनों एक साथ मिलकर पूरी सुबह मतलब इतना मस्ती करते हैं कि समझ में नहीं आता है कि दोनों इतने छोटे बच्चे हैं। और जब दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं ना तो हम माएँ भी आपस में बहुत बातें कर लेते हैं। दोनों शांतन के बड़े भैया का छोटा बेटा है और हम सब एक ही घर में रहते हैं, दूसरे दूसरे फ्लोर्स में। मम्मी पापा कल ही आए थे ना, तो उन्होंने कुछ स्नैक्स लेके आया था जो हमें कुक करके बनाना है, तो ये ना लिखा हुआ था कि ऑयल में पूरा इसे डीप फ्राई करना है, लेकिन मैंने क्या किया ना नॉनस्टिक के फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल को ऐसे ग्रीस कर लिया है ब्रश से, और ये देखिए वेज चीज़ फिंगर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मुझे नहीं पता कि ये ऑयल में डीप फ्राई करने से कैसा रहता, क्योंकि मुझे एकदम डीप फ्राइड चीज़ पसंद नहीं है। मैंने जस्ट इसे ब्रश करके ऐसे तवे में डाल दिया और दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लिया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये ना टूट गया था थोड़ा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट था तो ठीक से हैंडलिंग नहीं हो पाया था, बाहर का पैकेट तो टूट गया था, लेकिन ये होने के बाद ना लग नहीं रहा था कि ये डीप फ्राइड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और पूरा अंदर चीज़ और कॉर्न से भरा हुआ था। और फिर देखिए मैं त्रियान को ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने के लिए बोल रही हूँ, तो उसका मूड पर डिपेंड करता है, जब उसका मूड होता है ना वो बहुत अच्छे से दिखाता है, वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस दिन उसका मूड था ही नहीं तो वो कुछ दिखा ही नहीं रहा था। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bolo, Pili, Shani Pili, ekto bolo na, bolo na. शाम को ना मुझे बहुत मन कर रहा था इडली खाने का, तो शांतन मेरे लिए इडली लेके आए थे और खुद के और मेरे मदर इन लॉ के लिए वो कचौड़ियाँ लेके आए थे। और फिर डिनर में मैंने ना ये वेज सूप बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि उस दिन मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश था। और ये टोमेटो का चटनी मैंने बनाया था, थोड़ा सा स्पाइसी बना था, त्रियान ने भी पता है इसे खा लिया था, और ये गोभी का रोस्ट साथ में बना था तो वो मैंने लिया। और फिर देखिए वो कितना ज़्यादा मस्ती करता है, वो अभी चल भी सकता है लेकिन देखिए उसे ऐसे बैक करके करके क्रॉल करना ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे सारे दिन उसकी मस्तियाँ चलती रहती है, कभी वो दौड़ते रहता है, कभी ऐसे क्रॉल करते रहता है, और मैं बस बहुत खुशी से सारे चीज़ों को कैप्चर करते रहती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है, अगर आपको ये देख के थोड़ा भी स्माइल आपने किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। ठाकुर नान नान होएगा छे आज के मत देखने ही थी।